लगातार फर्जी मामले दर्ज कर रही है, तो उसी के खिलाफ हम लोगों ने आज एक डीआईजी महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि इन मामलों में निष्पक्ष जांच की जाए और इन मामलों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। पत्रकार पर फर्जी मामला तो चाहे जहां पे हो रहा है, साहब ने मुलाकात भाई आपकी? जी जी, साहब ने कहा आश्वासन दो आप? उन्होंने बोला है कि इस विषय में जाँच चल रही है और निष्पक्ष जाँच होगी और जो फर्जी मुकदमे अगर हैं तो उनको खत्म किया जाएगा। जो छतरपुर विकास मंडल की तरफ से अध्यक्ष महोदय आएगा? जी हाँ, नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अरविंद भाई आएगा? नहीं, जिला अध्यक्ष ही बाहर है। तो भैया, छतरपुर विकास मंच के द्वारा जो जो ज्ञापन दौगो है, वाकई हित में दौगो, पत्रकारन के हित में दौगो, कि पत्रकारन के ऊपर फर्जी मुकदमा कायम हो रहा है। एक जगह नहीं हो रहे, लगभग हर जगह हो रहे। तो छतरपुर विकास मंच के लाने जानो जाते जिला अध्यक्ष है भैया जी, और जिला अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी जी है। भैया आपका क्या नाम है? अतिन शुक्ला। अतिन शुक्ला जी, जी नगर अध्यक्ष है। तो विकास मंच के द्वारा वैसे जो काम करे जा रहे, वास्तव में भलाई के करे जा रहे, और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप सब जने ऐसे ही काम अच्छे से करते रहो, भलाई के काम करते रहो। और जो भैया विकास मंच की एक विशेषता और है कि अगर समाज सेवा में कहूँ को आपातकालीन व्यवस्था बनाने हैं या कहूँ सुचारू व्यवस्था नहीं बन पा रही, कोई ऐसी व्यवस्था करने हैं, तो उनमें भी जो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं। जो लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चूली की, डीआईजी ऑफिस में आए हैं ज्ञापन देवे। भैया अगर इनमें कार्रवाई ना भाई, फिर इसके बाद कछु और आगे को रास्ता निकालोगा? जी बिल्कुल निकालेंगे। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम सामूहिक एक प्रदर्शन करेंगे जिसमें हमारे साथ शहर के गणमान्य नागरिक और समस्त पत्रकारगण भी मौजूद रहेंगे। तो जो है भैया इनको कहबो है कि अगर इनमें कार्रवाई नहीं हो रही, ध्यान नहीं दो जा रहा हो, तो हम आगे चल के बृहद आंदोलन भी कर सकत, बड़ो आंदोलन भी कर सकत। भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी जनन है, नेक काम के लाने, पुनित काम के लाने। छतरपुर विकास मंच जिंदाबाद।